वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि लॉकडाउन के माहौल में किस तरह से हमको सावधानी के साथ में क्लाइंट को अटेंड करना चाहिए और किस तरह की प्रिकॉशंस रखने चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा, टिल टू एंड वीडियो वॉच जरूर करिए। और फर्स्ट बार अगर हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, एक बेल आइकन पर छोटी सी पहल है उस पर क्लिक करिए जिससे ये नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के सारे आप तक पहुंच सके और आप बहुत ही आसानी से हमारे वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए बताते हैं आपको कि लॉकडाउन के माहौल में एक प्रिकॉशन रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन, ये कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है बहुत ही खतरनाक है, हमको डराने वाला है, सब भयभीत हैं। इसलिए हम अगर सेफ्टी के साथ में काम करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे क्लाइंट के लिए या हमारे लिए जानलेवा हो सकती है तो उसका हमको पूरा ध्यान रखना है। साफ सफाई से बिल्कुल काम करना है और पार्लर में भी अच्छे से नीट एंड क्लीन करके अपने फिनाइल का, उसका, डिटॉल का सारा यूज करेंगे। और हम बताते हैं कि अगर एक क्लाइंट के हमने कोई काम किया है उसको यूज एंड थ्रो वाली चीज हम यूज करेंगे, या तो आप क्लाइंट से कह दीजिए कि भाई अपने गाउन और नैपकिन लेकर आए, अगर वो नहीं लाते हैं और आपको यूज करना है तो डिस्पोजेबल नैपकिन गाउन वगैरह आप यूज कर सकते हैं। हम बताते हैं आपको किस तरह से हम इसकी सेफ्टी के लिए सामान इकट्ठा कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो जो हम यूज करेंगे, अगर मान लीजिए हमको नुकसान रहता है क्योंकि खर्चा इसका क्लाइंट से हम ले सकते हैं और वो आराम से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले ये फेस शीट है, फेस शीट को हम बिल्कुल यूज करेंगे और यूज करने के बाद में ही क्लाइंट का नजदीकी वाला काम करेंगे, विशेष तौर से आईब्रो का है या फिर फेशियल का है तो हम फेस शीट को यूज करेंगे। इसके अलावा देखिए, ये हम मास्क का यूज करेंगे, अलग अलग तरह के मास्क हम रखेंगे अपने पार्लर में। और इसके अलावा देखिए, क्लाइंट अगर मास्क लगाकर आते हैं तो बेटर है, अगर बाय द वे वो नहीं लगाकर आते हैं तो हमको उनको देना होगा मास्क, क्योंकि उनकी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी तभी हो पाएगी जब वो मास्क को यूज करेंगे। ये नेसेसरी है बहुत ज्यादा। और ग्लव्स का हम यूज करेंगे, ग्लव्स है, हमने ये पैकेट लिया हुआ है देखिए, तो पैकेट में काफी हमको चीप पड़ता है, हम सारा पैकेट अगर लेते हैं तो हमको इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। और इस तरह से हम ग्लव्स पहनकर ही काम करेंगे, इससे पहले आपने देखा था हमने ग्लव्स पहनकर ही काम किया था। और ये सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर हम बिल्कुल यूज करेंगे पार्लर में, स्प्रे करेंगे चेयर पर जहाँ क्लाइंट बैठा है वहाँ बैठने से पहले स्प्रे करेंगे और जाने के बाद भी हम सारा अच्छे से ये सैनिटाइज करेंगे पार्लर को। और हमने ये दो बॉटल बना रखी है पार्लर में इस तरह से हमने, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। हैंड वॉश करने के बाद में फिर हम काम करेंगे पार्लर में, एंटर करने के बाद में फिर हैंड वॉश कराएंगे, हैंड वॉश के बाद में हम सैनिटाइज करके ही काम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए डिस्पोजेबल, ये आइसक्रीम स्पून है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वैक्सिंग के काम भी आता है, इसको यूज करिए। और वुडन फॉर्चुला भी बोल सकते हैं आप। और ये डिस्पोजेबल नैपकिन है, इसका भी रोल हमने ले रखा है, ये देखिए इस तरह से हम इन नैपकिन को यूज करेंगे। अगर क्लाइंट अपना लेकर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम अपना देंगे। और इसके अलावा देखिए, आप इस तरह के भी डिस्पोजेबल नैपकिन है जो हम यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाले नैपकिन है ये भी। हम कांच का बाउल ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक का ले सकते हैं, जैसे ब्लीच के लिए है या फेस क्रीम के लिए, फेस पैक के लिए, इन चीजों के लिए हम इस तरह से लेंगे। कांच का हम अच्छे से धो सकते हैं। इसके अलावा जब प्लास्टिक का, हम प्लास्टिक की कुछ इस तरह की ले सकते हैं या फिर फेशियल ट्रे हमने बना रखी है, इससे पहले भी हमने बना रखी थी, तो उनको ले सकते हैं। उसमें हम क्रीम और
पैक वगैरह जेल और ये स्क्रब वगैरह सारी चीजें उसमें नरिशिंग क्रीम वगैरह सब आ जाती है, तो उसको ले सकते हैं। और एक ही फेस के लिए हम लेंगे, किसी और के फेस पर अप्लाई वो सामान नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस तरह का प्लास्टिक ले सकते हैं, प्लास्टिक की चीजों को या तो यूज एंड थ्रो वाला आप लीजिए, नहीं तो इसको स्टेलाइज करके हम यूज करेंगे, जैसे कि कांच के बर्तन है या फिर इस तरह के हमारे जो अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के हैं उनको आप स्टेलाइज करिए फिर यूज करिए, नहीं तो यूज एंड थ्रो वाले काफी आपने देखे हैं, मेरे पार्टी में रहते हैं बॉन्स वगैरह उनमें आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमने देखिए इस तरह का ले रखा है क्योंकि वो बड़ा अजीब सा लगता है यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक के जो दोने वगैरह होते हैं तो हमको समझ में नहीं आया, इसलिए हमने ये प्लास्टिक के और कांच के बर्तन ही रखे हुए हैं और इसी में ही हम कोई भी अपना पार्लर में फेशियल से ब्लीच से रिलेटेड कोई भी आइटम है तो हम उसमें करेंगे। स्टेलाइज करना तो बहुत आवश्यक है, वो हम करेंगे। और ये देखिए इसके अलावा हमने ये शीट है, कटिंग शीट है, इस तरह से यूज एंड थ्रो वाली आती है, हम इसका चार्ज क्लाइंट से लेंगे और वो अगर उनको हमारा यूज करना है तो फिर वो लेंगे। इस तरह की शीट है, ये देखिए इस तरह से पहनने के बाद में पूरा कवर हो जाएगा और अगर वो पे नहीं करते हैं तो वो खुद अपना लेकर आए, और हमारा अगर यूज करना है उनको तो हम फिर अच्छे से गर्म पानी में डालकर और डिटॉल वगैरह यूज करके ही हम वॉश करते हैं, तो ये यूज एंड थ्रो वाला हम दे सकते हैं, ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और क्लाइंट इसको पे कर सकेगा। इसके अलावा देखिए हम एक चीज और बता दें कि अक्सर क्या होता है कि थ्रेडिंग के टाइम में बहुत मुश्किल वाली बात होती है, कुछ लोगों को हमने देखा है कि थ्रेडिंग जैसे हमने एक जने की और करने के बाद में हमने उसी थ्रेड को ऐसा वैसा रख दिया, ऐसे नहीं रखना है। हम रूटीन में भी हमारे पार्लर में ये सभी जानते हैं कि हम किसी की थ्रेडिंग कर रहे हैं और उसके बाद में उसने धागे को हम बिल्कुल तोड़कर फेंक देते हैं, इससे ये है कि इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। ये देखिए हम करके बताते हैं, इस तरह से हमने की, हमने किसी की थ्रेडिंग की या वर्लिप की है या, तो इतना थ्रेड हम बिल्कुल तोड़कर फेंक देंगे, क्यों कि जो हमारे यूज हुआ उस थ्रेड से हम दूसरे किसी क्लाइंट के यूज नहीं करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और ये पाउडर लगाने का तरीका हम बताते हैं आपको, इस तरह से हमने कॉटन के बाउल बनाकर छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, ये देखिए आप, और इसलिए एक क्लाइंट के हम पाउडर लगाएंगे और उसको कॉटन को फेंक देंगे, तो ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा कि कोई परेशानी की बात है, तो इस तरह से हम प्रिकॉशन रख सकते हैं। हमने यही बताया है कि किस तरह से हम प्रिकॉशन रखेंगे। थ्रेडिंग करने का तरीका आप देखिए, मास्क हमने लगाया और मास्क लगाने के बाद में हम थ्रेडिंग किस तरह से करते हैं वो भी आप देखिएगा, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्रेडिंग में आप कई तरह से कर सकते हैं, एक तो जैसे ये धागा है, धागा का हमने यहाँ देखिए गांठ लगा ली, इसमें सेल्फ भी हो सकता है और आप इस तरह से भी डिस्टेंस के साथ में क्लाइंट के कर सकते हैं। मास्क लगा, कुछ मेरे जो स्टूडेंट है उनका फोन आया था कि मैम मास्क लगाकर हमसे काम नहीं होता है, किस तरह से करें, फिर हमने कहा नहीं आप ढंग से करिए इसको, ये देखिए इस तरह से हमने ये लिया और इस तरह से ये चलेगा, ये बल के अंदर जब हेयर आएंगे तो पूरा बिल्कुल अच्छे से काम हो सकेगा, ये देखिए बहुत ही अच्छे से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए आवाज आ रही होगी आपको, और इस बल के अंदर जब हेयर आएंगे तो बिल्कुल थ्रेडिंग का काम अच्छे से होगा, और इस तरह से हम करेंगे, अभी हम दूर से करके बता रहे हैं आपको, ये होगा इसका तरीका। इस तरह से बल लगाकर आप कर सकते हैं, सेल्फ भी करते हैं इससे। और दूसरा तरीका ये है कि हम मास्क अगर लगाते हैं तो मास्क लगाने के बाद में किस तरह से करेंगे ये देखिएगा आप,
ये देखिए इस तरह से हम करेंगे थ्रेडिंग का काम। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम तरीके से कर सकते हैं और डिस्टेंस हम बिल्कुल मेंटेन करेंगे, इतने डिस्टेंस करेंगे। मास्क लगाकर इस तरह से हम थ्रेडिंग करेंगे। इसके अलावा हमने वो बताया, इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाह रहे हैं हम कि अगर आपके पास कॉलर वाली शर्ट है तो ठीक है, आप उसको यूज करिए, और वो नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी किसी भी तरह का कपड़ा लेंगे। और फिर ये देखिए ये हमने इस तरह से कर दिया, इसको लेने के बाद में देखिए हम थ्रेड को इस कॉलर पर लेकर आए हैं। कॉलर पर लाने के बाद में हम यहां छोटी सी गांठ लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये देखिए हमने ये गांठ लगा दी, और लगाने के बाद में फिर मास्क हम लगाकर बता रहे हैं आपको। ये देखिए ये हमने करा, और इसको हम इस तरह से करेंगे, गले में है ये हमारे, पहले हमने मुंह में लेके बताया था आपको और अब गले में है। आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थ्रेड चलेगा बिल्कुल और डिस्टेंस के साथ चलेगा। ये देखिए इसके अलावा हमने तीन तरह का ये थ्रेडिंग करने का तरीका आपको बताया है। इसके अलावा हम इस धागे को एक छोटी सी पिन लेंगे, एक छोटी सी पिन लेंगे और उसमें इस तरह से नॉट करेंगे, गांठ लगा देंगे। हम पिन से अटैच कर देंगे इस धागे को गांठ लगाकर, और फिर हम आराम से कर सकते हैं। और वैसे पिन की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट हम वैसे कर सकते हैं। अगर पिन से करना है तो आपको इस तरह से इसमें बल लगाकर हम गांठ लगा देंगे। ये देखिए ये हमने पिन में छोटी सी गांठ लगा दी है, और फिर बहुत ही आसानी के साथ में हम करके आपको बताते हैं। ये हम देखिए हमने छोटी सी गांठ सेफ्टी पिन में लगाई है, और फिर आराम से देखिए ये देखिए इस तरह से हमने चार पांच तरीके से आपको बताया है किस तरह से थ्रेडिंग करेंगे। आप आसानी से करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, और थ्रेड बहुत आसानी से चलेगा। और ये हम बताएं आपको कि गले वाला जो हमने आपको बताया बहुत ही अच्छा है, गले में कोई दिक्कत नहीं है। कॉलर वाली शर्ट है तो आप कॉलर वाली शर्ट में भी कर सकते हैं, और वैसे कॉलर वाली शर्ट अगर नहीं है तो आप कोई भी स्कार्फ वगैरह ले सकते हैं, स्कार्फ में गले में डालकर फिर आप कर सकते हैं। एक बार दोबारा से हम बता दें जिससे कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए तो फ्रेंड्स हमने देखिए चार पांच तरह का आपको फेशियल शीट और फेस शीट के अलावा ये हमने बताया है कि थ्रेडिंग में विशेष तौर से दिक्कत आती है कैसे, तो हमने ये स्कार्फ में गले में आप देख रहे हैं इस तरह से किया है। और करने के बाद में अब देखिए ये देखिए
इस तरह से बहुत ही आसानी से थ्रेड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, विश्वास है आपको यह समझ में आया होगा कि लॉकडाउन के माहौल में किस तरह से हमको क्लाइंट को अटेंड करना है, किस तरह से हाइजीनिक माहौल करने के लिए सारी चीजें यूज करनी है। सैनिटाइज का विशेष तौर से ध्यान देंगे हम, और क्लाइंट का काम करने के बाद में तुरंत ही देखिए हैंड वॉश करने के बाद में हम करेंगे। और सीजर से अगर हेयर कटिंग की है तो फिर हम उसको या तो फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में हम रख सकते हैं। इसके अलावा सैनिटाइज करके ही आप यूज करें, इस तरह से नहीं करें। तो ये सब हमने बताया, कांच के बाउल में और शीट, ये बहुत अच्छी है, इससे पूरा अच्छे से अपनी सेफ्टी हो जाती है और इस तरह से काम हम करेंगे। तो ये रहा एक जानकारी हमने दी है आपको कि लॉकडाउन के माहौल में किस तरह से डिस्पोजेबल सामान को यूज करते हुए हम क्लाइंट का काम करेंगे, क्या क्या सावधानियां रखेंगे। विशेष तौर से हमको एहतियात रखने की आवश्यकता ये है कि थ्रेडिंग करते टाइम हमको विशेष ध्यान देना है, लॉन्ग थ्रेड रखेंगे। और फिर ये तरीके हमने चार पांच जो बताए हैं उनका आप फॉलो करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्वास है ये सब आपको समझ में आया होगा कि लॉकडाउन के माहौल में इस तरह की थ्रेडिंग हम कर सकते हैं, या फिर ये डिस्पोजेबल सामान को अपने पार्लर में रखें और इसका पेमेंट क्लाइंट से आप शेयर करें। तो फ्रेंड्स, विश्वास है आपको अच्छे समझ में आएगा। अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।